किसी किसी को तो खर्राटे आते हैं, खर्राटे। स्नोरिंग स्लिप एपनिया, सोते सोते सांस ही रुक जाते हैं, तो क्या करें? सोते सोते सांस रुक जाए तो कपाल भाती के साथ उज्जाई भी कर लो। चलो एक बार कर लो, कम करते हो इसलिए कराना पड़ रहा है मुझे। होल्ड करके रखना, 20 से 30 सेकंड दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, ये तो हमारे महात्मा 10 मिनट तक लगातार लगे हुए हैं, आप लोगों ने किया नहीं सबने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ऐसे दो दो तीन तीन पांच पांच दस दस मिनट करना होता है। बच्चे कर लेते हैं, जवान कर लेते हैं, बड़ी उम्र वाले थोड़ा थोड़ा तो करो, पाँच पाँच मिनट तो करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये पूरा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है। ये महात्मा जी हमारे मरकटासन में ही लेटे हुए तब से। चलो बैठो महात्मा जी, अब आप करो अनुलोम विलोम और मैं करवा रहा हूँ उज्जाई आपसे। अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाति कर लो, भस्त्रिका कर लो, उज्जाई कर लो। मूल बंद के बारे में हम कम बताते हैं, वो भी बताते हैं। देखो ये जिनका यूट्रस ओवरी बाहर निकलता है, एक माता मेरे से कल तीन बार पूछे, मैंने कहा माता ठीक हो जाएगा, यूट्रस 7 दिन में अच्छा हो जाता है। जिनका यूट्रस बाहर निकलता है मात्र 5 से 7 दिन में मैंने ठीक किया है। खाली भाई ये प्राणायाम करना है, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, मूल बंद, उड्डियान बंद, जालन। और मूल बंद तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूं तो भी मैंने मूल बंद लगाया हुआ है, ये तो पूरे प्राणायाम के दरमियान लगा सकते हैं, दिन में भी चलते फिरते। उस माता को मना कर दिया, तेरे को जोर से चलना भी नहीं। मैंने कहा माता मूल बंद लगा के तो दौड़ लगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है? ये बहुत जबरदस्त है और इसमें चांगेरी की बस्ती करवा देते हैं, चांगेरी बस्ती, यूट्रस प्रोलैप्स में। इसको योनि भ्रंश, गुदप भ्रंश, दोनों यूट्रस और एनस, ये बाहर निकलने लगता है। बहुत बुरी बीमारी है ये, बहुत दुख देती है। फिर इसमें ऑपरेशन करके बेकार काम, 100% 99% एक सप्ताह में और नहीं तो मैक्सिमम 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और यहीं से कितने कुछ तो संकोच के मारे कहते नहीं है, कुछ ने तो यहाँ कह के गई है, कम से कम 5-7 बहनें तो यहाँ से कह के गई है। एक बहन मध्य प्रदेश से आई थी, एक बहन को यूपी से, पता नहीं उत्तराखंड से कहाँ से, अलग अलग, एक हरियाणा से आई थी, हमारा वो सिकंदर यहाँ सारथी है, ड्राइवर है, उसकी पत्नी, उसकी सासू माँ बहुत मोटी है, उसको बेचारी को पैरालिसिस हो रहा था, उठाते उठाते बहुत ज़्यादा लगातार भार उठाते उठाते उसका यूट्रस बाहर निकलने लग गया। 5 दिन आई यहाँ, 5 दिन में बोल बाबा जी मारो तो ठीक हो गयो, ठीक हो गया तो ठीक है, अब ये करते रहना, ये छोटी सी बात है। ये इनफर्टिलिटी के लिए यूट्रस ओवरी बाहर निकलते हैं, उनके लिए, धातु रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको बाह्य प्राणायाम को हल्के में लेते हैं, मूल बंद को हल्के में लेते हैं। योग की किसी भी क्रिया को हल्के में मत लेना, हाँ एक एक क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है।